जय हिंद जय भारत साथियों। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजनीति में सफलता पाने की रणनीतियों के बारे में। मैं 6-7 रणनीति आपको बता दूं जल्दी जल्दी से, ताकि आपको उनको इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। और यकीन मानिए, यदि आपने इन रणनीतियों का इस्तेमाल किया तो आप चाहे फ्रंट एंड पे पॉलिटिक्स करें या बैक एंड पर करें, आपको राजनीति में आगे बढ़ने में, सफलता पाने में काफी मदद इन रणनीतियों से मिल पाएगी। सबसे पहली रणनीति, तो अपना जनाधार या अपने बलबूते राजनीति करिए, अपनी फेस वैल्यू बिल्ड करिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए। और मैं कहता हूं, चाहे आप किसी पार्टी के उम्मीदवार भी क्यों ना हो, भले ही पार्टी से टिकट क्यों ना मांग रहे हो, कोशिश करिए पहले अपना चेहरा बनाए, अपना जनाधार बनाए। क्योंकि यदि लोग आपके साथ जुड़ गए, आपका जनाधार बन गया, कम हो या ज्यादा हो, आज नहीं तो कल पार्टी आपको वैल्यू देगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आपकी वेटेज बढ़ेगी। वरना पार्टी आपको वैल्यू नहीं देने वाली है। और चाह करके भी अगर आप पार्टी के पास जाकर अप्रोच करने लगते हैं, मांग करने लगते हैं, तो उससे ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, आपको पार्टी पर डिपेंड होना पड़ेगा। और यदि बैकएंड पर भी काम करना है तो भी पैरेलली अपनी टीम बनाइए, इतनी मजबूत टीम बनाइए कि आपकी टीम पार्टी के साथ जब एड ऑन हो जाए तो उस पार्टी को बेनिफिट हो, आपकी टीम जब कैंडिडेट की टीम के साथ एड ऑन हो जाए उस कैंडिडेट को बेनिफिट हो। ये पहली रणनीति है, चाहे फ्रंट एंड पर करिए या बैक एंड पर करिए, अपना चेहरा, अपनी वैल्यू, अपनी इमेज, अपने साथ कनेक्टिविटी, इसको डेवलप करिए। और जैसे ही आपकी फेस वैल्यू बिल्ड हो जाएगी राजनीति में, चाहे फ्रंट पर हो या बैक एंड पर, दोनों में लाभ होने वाला है। पहली रणनीति। दूसरी रणनीति, आपको कुछ पैसा अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी कम्युनिकेशन पर, सीखने पर लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे सीखिए, आप जहां से सीखना चाहे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लीजिए। जब तक आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे, अपने ऊपर कुछ पैसा, कुछ संसाधन नहीं लगाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने कम्युनिकेशन में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में सुधार नहीं करेंगे, तब तक बहुत दिक्कत आने वाली है। और एक गुण तो जो मैं बार बार बोलता हूं, एक ही गुण ऐसा है जो 90% वर्तमान राजनेताओं से आपको एक झटके में आगे बढ़ा सकता है, यदि आप एक अच्छे वक्ता बन जाते हैं। कुछ मत करिए राजनीति में, मंच पे अच्छे वक्ता बनने का गुण सीख लीजिए, अच्छे वक्ता बन जाइए। और चिल्लाना नहीं है, जोश होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन चिल्लाना नहीं है। और जैसे टीचर्स स्पीच देते हैं या अलग अलग प्रोफेशन के लोग स्पीच देते हैं, वैसे भी स्पीच नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्पीच होनी चाहिए, जिसमें लोगों के साथ कनेक्टिविटी पैदा हो, लोग वॉइस मॉड्यूलेशन को सुने, आपके आई कॉन्टेक्ट को सुने, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, आपके साथ वर्बल और नॉन वर्बल बढ़िया कम्युनिकेशन होगा, तो ये रणनीति भी आपको वर्तमान राजनेताओं से बहुत आगे बढ़ाने का काम करेगी। आप मंझे हुए राजनेताओं, जो एस्टेब्लिश राजनेता है, फ्रंट एंड पर या बैक एंड पर, उनसे आगे बढ़ पाएंगे। ये दूसरी रणनीति। तीसरी रणनीति है, बिना टीम के काम नहीं चलेगा। जी हाँ, टीम बनानी पड़ेगी, चाहे फ्रंट एंड पर आओ या बैक एंड पर आओ, अपनी पैरेलल टीम भी बनानी पड़ेगी। और पार्टी या संगठन में अगर किसी उम्मीदवार के लिए काम करें वहां पर भी, और किसी पार्टी या संगठन के लिए काम करें वहां भी टीम बनानी पड़ेगी। लोग आपके साथ भी कनेक्ट हो, पार्टी संगठन के साथ भी कनेक्ट हो, उम्मीदवार के साथ भी कनेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी टीम होनी चाहिए। और व्यक्ति कभी राजनीति में सफल नहीं होता, व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता, या तो उसकी पार्टी चुनाव जीतती है या उसकी टीम चुनाव जीतती है। और पार्टी में तो बहुत सारे दावेदार होते हैं, फ्रंट एंड के भी और बैक एंड के भी, आपको क्यों मौका मिले, आपको क्यों पदाधिकारी बनाया जाए, आपको क्यों प्रवक्ता बनाया जाए, आपको क्यों उम्मीदवार बनाया जाए, कुछ कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कोई तो हो जो आपके बारे में बोले। आप नहीं बोल सकते, अपने मुंह से तारीफ नहीं हो सकती है साहब, दूसरे ही आपके बारे में बोलेंगे। और वो दूसरे आपके लिए तब बोलेंगे जब वो आपकी टीम का पार्ट होंगे, जब वो आपको अपना मानते होंगे और जब आप उन्हें भी अपना मानते होंगे। तो टीम बनाइए, ये तीसरी चीज है। चौथी चीज क्या है, अगर वाकई राजनीति में सफल होना है, ये भी शॉर्ट शॉर्ट रणनीति है, क्या 5 साल। जी हाँ, 5 साल किसी एक पोस्ट, एक फील्ड, एक काम, एक उद्देश्य को दे दो। और अगर आप अपने जीवन के अगले 5 वर्ष राजनीति को या किसी एक उद्देश्य को राजनीति के देने के लिए तैयार नहीं है, तो अगले 5 मिनट भी देना राजनीति को समय की बर्बादी है। निरंतरता, लगातार काम करिए, 5 साल मिनिमम 5 ईयर प्लान बनाइए। अगर 5 साल लगातार काम करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आप उसके काफी गुणों को ना सीख लें, काफी बातें ना पता चल जाएं। और यदि काफी बातें पता चल जाएं, काफी गुणों को सीख लेंगे, तो सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आपको 30 साल 40 साल राजनीति करनी है, राजनीति में रहना है, तो 5 साल राजनीति को जानने, समझने, सीखने, अपने आप को स्थापित करने में देने पड़ेंगे साहब। लोग शॉर्टकट में सोचते हैं 6 महीने में, 1 साल में हो जाए, 6 महीने 1 साल में अपने आप को स्थापित नहीं किया जा सकता। और जितना शॉर्ट टर्म में काम करेंगे उतना आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाला है। शॉर्ट टर्म में नुकसान कर लीजिए, लॉन्ग टर्म गेन करने के लिए कम से कम 5 ईयर की प्लान बना करके, रणनीति बनाकर काम करिए। 5वां तरीका, अगर वाकई राजनीति में सफल होना है, जिस पार्टी या संगठन में है, अपने से आगे जो बड़े नेता है, हर पार्टी में बहुत सारे गुट होते हैं, गुटबाजी चल रही होती है, बड़े नेताओं के साथ टाई अप करने की कोशिश करिए, जुड़ने की कोशिश करिए।
मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कैसे जुड़ना है, उन्हें क्या जरूरत पड़ती है, आप उनके कैसे काम आ सकते हैं, वो आपको क्यों जोड़ेंगे, उसको सीखिए, सुनिए, समझिए और उनकी टीम में जुड़ने का प्रयास करिए, खासकर से उस गुट में जिस गुट का आपकी पार्टी में आपके क्षेत्र में दबदबा हो। अगर ऐसे नेता के साथ आप जुड़ जाते हैं और नेता सीनियर है, मान लीजिए आपसे 30 साल 35 साल सीनियर है वो व्यक्ति, अब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि 30-35 साल का तो अनुभव मिलेगा और साथ ही साथ सेकंड लाइन में वो आपको अवसर जरूर देगा अगर आपके अंदर काबिलियत है। और सीखना, अवसर का ढूंढना, अवसर में अपने आप को आगे लाना, वो तो आप सीख ही लेंगे, तो आपको पता जाए कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके वाली है, आप वहां आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन किसी नेता के साथ मिलने से, किसी गॉडफादर के मिलने से, किसी के हाथ पकड़ने से, किसके साथ चलने से आपको कई बार लाभ हो जाता है, ये भी रणनीति काफी काम आती है। छठी रणनीति, वैसी जगह चुनिए जहां पर पार्टी या संगठन आगे नहीं बढ़ पा रहा, ग्रोथ नहीं कर पा रहा, जहां पर बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है पार्टी को। जनरली लोग क्या करते हैं, उन सीटों को आइडेंटिफाई करते हैं, उन जगहों को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। मेरे पास भी आते हैं सब, वहां से पार्टी के टिकट मिल जाए ना, मेरी जीत की संभावना पूरी 100% है। मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा आपको पता है क्या पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के नेताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों की बात पता है? कहते हैं हाँ सर सबको ही पता है। तो मैंने, तो फिर वो आपको टिकट क्यों देंगे भाई? नहीं, वो वहां मेरी जाति के लोग हैं, मेरे धर्म के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं। अरे भाई, जाति धर्म के, आपकी जाति धर्म का कोई दूसरा उम्मीदवार चलेगा ना? अब वो हैरान होते हैं, अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर आप ऐसे बन जाइए कि वहां पर पार्टी आपको खड़ा करने पर मजबूर हो जाए, आपको पदाधिकारी बनाने पर मजबूर हो जाए, आपको उम्मीदवार बनाने पर मजबूर हो जाए। और ये तभी होगा जब आपने पार्टी को खड़ा करने के लिए ऐसी जगह काम किया होगा जहां पार्टी का जनाधार नहीं था, जहां पार्टी का झंडा लेकर आप पहुंचे और फिर वहां आपने जनाधार खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता से पार्टी का जब जनाधार बन गया तो पार्टी आपको जननायक मान लेगी, स्वीकार कर लेगी। आपने पार्टी के इतना काम किया होगा तो पार्टी उसको वैल्यू देगी ही देगी, हर पार्टी देती है। ये रणनीति बहुत कारगर है, बहुत कम बार ऐसा होगा कि रणनीति फेल हो जाए, व्यक्ति ही कोई गलती कर जाए, अदरवाइज रणनीति बहुत काम आती है। एक और चीज, पार्टी में, संगठन में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके काम करने के ढंग को पसंद करते हैं, जिन्हें लगता है कि आप में पोटेंशियल है, और फिर उनकी हर संभव मदद करना। अगर वाकई सफल होना चाहते हो, खुद तो आगे बढ़ो, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करो और निस्वार्थ भाव से करो। आपके जूनियर्स को, आपके सीनियर्स को, आपके साथ वालों को, उनकी मदद करो जितना हो सकता है। ऐसा ऐसा क्या होगा, पार्टी में आपकी एक्सेप्टेंस होगी और कल को पार्टी में बड़ा पद लेना। आप देखें ना, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, पार्टी का संसद दल का नेता किसको बनाया जाता है, पार्टी राज्यसभा में किसको भेजती है, पार्टी में प्रवक्ता किसको बनाया जाता है, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी किसको दी जाती है, जिसको मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं, जिसकी लगभग सभी जगह सहमति है। आपकी सहमति कब होगी, आपको लोग क्यों स्वीकार करेंगे? अगर आपकी सहमति इतनी ज्यादा हो जाए कि आपके जूनियर भी, आपके सीनियर भी और आपके साथ वाले भी सब आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएं, तो कौन काटेगा आपका टिकट? कौन आपको पदाधिकारी नहीं बनाएगा? कौन रोकेगा? कौन आपके खिलाफ खड़ा होगा? बहुत सारे पार्टी के नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता सर। ये रणनीति भी बड़ी कारगर है। लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते रहिए, आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। आइडेंटिफाई करिए जो आपको पसंद करते हैं, किसी भी आधार पर, आपके बात करने के ढंग से, हो सकता है जाति के आधार पर, समाज के आधार पर, धर्म के आधार पर, आपके काम के आधार पर, और फिर उनकी सेवा करने में लगिए और निस्वार्थ भाव से जो आपके पास है वो दे दीजिए। ज्ञान है तो ज्ञान दे दीजिए, पैसा है तो पैसा दे दीजिए, संसाधन है संसाधन दे दीजिए, जो सपोर्ट कर सकते करिए। आहिस्ता आहिस्ता आप पाएंगे आपका सपोर्ट में लोग आकर खड़े हो गए और आप बड़े नेता बन गए। ये मैंने कुछ रणनीतियों की बात की कि जो रणनीतियां राजनीति में वाकई सफलता दिलाने में काफी मददगार साबित हो सकती है अगर आप इन रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं।